एक का गुण दूसरे के गुण में चला गया। फटिक बहुत स्वच्छ होता है सफेद, लेकिन जब उसको लाल कागज पर रखते हैं तो लाल दिखता है, तो क्या फटिक लाल हो गया? तो नहीं, पास में जो कागज रखा हुआ है उसकी लाली उसमें दिख रही है। तो ईश्वर को हम लोग देखना चाहते हैं कहां बैठकर? इस शरीर में बैठकर। ईश्वर इतना महान और हम उसको इस शरीर में बैठकर छोटी सी बुद्धि से नाप लेना चाहते हैं उसकी उम्र, कब ईश्वर पैदा हुआ और कब मरेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई नाप लेना चाहते हैं कितना बड़ा है ईश्वर, उसका वजन नाप लेना चाहते हैं क्या तौल है ईश्वर की। भाई मेरे, बहुत बड़ी वस्तु को जब जांचना होता है तो उसके लिए छोटा औजार काम में नहीं आता। इस औजार की तो शक्ति बहुत कम है, इतने शक्तिहीन उपकरण से, इतने शक्तिहीन औजार से ईश्वर को कैसे तौला जाए? तो देखो, वस्तु होती है, अभी पूरे महीनों की वर्षों की बात है, अखबारों में छपा कि साइबेरिया में कुछ जौ के दाने मिले जगह में, तो ऋतु आने पर थोड़ी सी गर्मी ठंडी मिलने पर उनमें अंकुर निकल आया। साइबेरिया में 2000 बरस तक उनमें अंकुर नहीं निकला और यहां आने पर अंकुर निकल आया। ये हुआ देश का, स्थान का प्रभाव, स्थान का प्रभाव हुआ हो। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए ये भी देखना पड़ता है कि हम किन किन वस्तुओं से प्रभावित होकर इसको देख रहे हैं। हमारी जन्मभूमि में खेती होती है, बीच में तो गाड़ देते हैं आलू, जो मेड़ होती है उसकी मेड़ के बीच में गाड़ देते हैं आलू, और नीचे होता है गेहूं, उस पर डाल देते हैं लाल मिर्च के बीज। एक ही खेत होता है, एक ही माटी, एक ही खाद, एक ही सिंचाई, उसी में से आलू निकलता है उसका स्वाद दूसरा, लाल मिर्च निकलती है उसका स्वाद दूसरा, गन्ना निकलता है वो बिल्कुल मीठा। क्यों भाई, ये क्यों हुआ ऐसा? धरती तो एक ही है, सिंचाई एक है, खाद एक है, मिट्टी एक है। यूं हुआ कि जो बीज है ना वो अलग अलग है, मिर्च का बीज अलग है, गेहूं का बीज अलग है, गन्ने का बीज अलग है, आलू का बीज अलग है। बीज की उपाधि से एक ही माटी अलग अलग गुण देती है, एक ही पानी अलग अलग गुण देता है, एक ही हवा अलग अलग गुण देती है। तो हम लोग जब ईश्वर को देखने लगते हैं ना, तो कहां बैठ के देखते हैं? हम अपनी दृष्टि से ईश्वर को तौलने लग जाते हैं। देखो, हम देह बन के जब जांचेंगे तो ईश्वर निकलेगा विराट, और हम मन बुद्धि बन के जांचेंगे तो ईश्वर निकलेगा हिरण्यगर्भ, और जब हम शांत समाधिस्थ होकर ईश्वर को जांचेंगे तो ईश्वर निकलेगा शांत, और जब अभिन्न होकर देखेंगे ईश्वर से तो ईश्वर निकलेगा अद्वितीय। अब व्यवहार में ईश्वर कहां क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको समझने के लिए ईश्वर कर रहा है कि नहीं, ये एक बात दूसरी है, वो करता है कि अकरता है ये बात दूसरी है। हम जहां बैठ के देखते हैं वहां से और ईश्वर के बीच में क्या क्या उपाधि बैठी हुई है वो देखना पड़ेगा। तो हमारे स्थान पड़े रहते हैं 6 महीने धरती में, और जब वर्षा होती है तब उनमें अंकुर उग जाता है। काल की उपाधि होती है, देश की उपाधि होती है, बीज की उपाधि होती है, उनसे वस्तुएं अपना अपना काम अलग अलग करते हैं। अब ईश्वर काम कैसे करता है? तो कभी सत्व की उपाधि से काम करता है, कभी रज की उपाधि से काम करता है, कभी तमस की उपाधि से काम करता है। देखो, ईश्वर एक ही है, स्व माया गुणमावेश्य बाध्य बाधकता गतः। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं
कि जब हम सोचने लगते हैं कि ईश्वर के व्यवहार में और ईश्वर के रूप में इतना अलगाव कैसे है, सोचते सोचते हार जाते हैं, कोई कारण नहीं बनता है। तो अरे भाई, ये तो जादू का खेल है। जादू का खेल ऐसे ही होता है, हमारे हाथ में एक रुपया दिया जादूगर ने, देखो इसका नंबर देख लो, देख ले, मुट्ठी बांध ली, उसने कहा खोलो, तो मुट्ठी में और रुपया ही नहीं था। बोले तो तुमने चुरा लिया। नहीं बाबा, हमने नहीं चुराया। नहीं देखो, तुमने चुराया है। कहाँ चुराया है? जूता खोलो, जूते में से वही रुपया निकला। अब रुपया हमारे हाथ में से लेकर के तो जूते में डाला नहीं गया, अच्छा गिर के गया नहीं, हमने डाला नहीं, तो वहां क्या बोलेंगे कि इसका नाम है जादू का खेल, इसका नाम है माया। तो जब हम सोचने लगते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई, चार भूतों से बनती है सृष्टि अपने आप, परमाणुओं से सृष्टि बनाई गई है, वासना से सृष्टि बनती है, अलग अलग मत है। चार बाग का कहना है कि चार भूतों से सृष्टि बनती है, वैशेषिकों का कहना है और जैनों का कि भूतगलों से सृष्टि बनी है, जैनों का कहना है कर्म से सृष्टि बनी है, बौद्धों का कहना है वासना से सृष्टि बनी है, और वल्लभाचार्य कहते हैं कि ईश्वर संकल्प से ये सृष्टि बनी है, सांख्य योग कहते हैं प्रकृति से सृष्टि बनी है, और शैव कहते हैं अपना आत्मा ही इस सृष्टि के रूप में दिख रहा है। तो जब सोचने लगते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी, तो हम वहां से नहीं सोच सकते जहां से ये सृष्टि बनती है। कहां से सोचेंगे कि जहां हम बैठे हैं वहां से सोचेंगे, तो क्या नन्ही सी बुद्धि इस सृष्टि के अनंत मूल को पकड़ सकती है? हमने कल चर्चा की, एक सज्जन बहुत बुद्धिमान दार्शनिक कैसे थे, मैंने उनसे चर्चा की कि जड़ाद्वैत यदि माना जाए कि जगत के मूल में जड़ सत्ता है और उसमें सब होने का सामर्थ्य है, वही बुद्धि भी बनती है, इंद्रियां भी बनती है, विश्व सृष्टि भी बनती है, और जगत के मूल में जड़ अद्वैत सत्ता है, उसमें सर्वभवन सामर्थ्य है। कहो कि नहीं चेतन है, तो हम कहते हैं तुम्हारा चेतन तो निष्क्रिय है, निष्क्रिय में और जड़ा द्वैत सत्ता में क्या फर्क है? बात टेढ़ी हो जाएगी। बड़े मजेदार है भाई, और बोले कि जड़ाद्वैत सत्ता जो होगी वो यहां बैठ करके कल्पित होगी। हम कल्पना करेंगे कि सृष्टि के प्रारंभ में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और यदि चेतना द्वैत सत्ता होगी तो अनुभव रूप होगी, अपनी आत्मा होगी। जड़ाद्वैत सत्ता यदि मूल में होगी तो वो अनुभव के क्षेत्र में नहीं होगी, कल्पित होगी, और यदि चेतन सत्ता होगी तो अनुभव का विषय तो नहीं होगी लेकिन स्वयं अनुभव स्वरूप अपना आत्मा होगी, मैं ही अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो देखो, जब हम बनते हैं देह तो ईश्वर हो जाता है जड़, जब हम बनते हैं संकल्प वाले मन तो ईश्वर हो जाता है संकल्पवाद, जब हम बनते हैं समाधि तब ईश्वर हो जाता है शांत, और जब हम होते हैं अद्वैत चेतन तो परमात्मा हो जाता है अद्वैत चेतन। हम पापी पुण्यात्मा कब होते हैं? जब कर्ता बनते हैं। हम सुखी दुखी कब होते हैं? जब भोक्ता बनते हैं। हम परिच्छिन्न कब बनते हैं? जब दृश्य के साथ तादात्म्य अपन्न होते हैं। नारायण, हमारी जो परिस्थिति है वो तत्व के निर्णय में, तत्व के निश्चय में सर्वोपरि अपना प्रभाव डालती है। अपनी स्थिति को ठीक करना चाहिए। अब हम जो ईश्वर के बारे में सोचते हैं, ईश्वर देवता का पक्षपात क्यों करता है और दैत्यों को क्यों मारता है? तो बोले भाई, कोई उपाधि स्वीकार करके हम बन गए मनुष्य और देवता दैत्य के बारे में, ईश्वर के व्यवहार के बारे में पूछ रहे हैं। ईश्वर भी कुछ ओहदा धारण करके काम करता है, जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के हस्ताक्षर करता है, जैसे राष्ट्रपति राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ के एक पद स्वीकार करके अपने कर्तव्य का पालन करता है,
ऐसे ब्राह्मण जब ब्राह्मणत्व की कुर्सी पर बैठता है तब अपना कर्तव्य पालन करता है, जब हिंदू हिंदुत्व की कुर्सी पर बैठता है तब अपना कर्तव्य पालन करता है, जब मनुष्य मनुष्यत्व की कुर्सी पर बैठता है तब अपने कर्तव्य का पालन करता है, और जब जीव कर्ता भोक्ता बन करके जीव पद को स्वीकार करता है तब जीव के कर्तव्य पालन करता है। ये देवता दैत्य मनुष्य का भेद कहां से आया? ये अपनी उपाधि के कारण आया, और उन उपाधियों में प्रवेश करके ईश्वर उन उपाधियों के अनुरूप काम करता है। तो कभी सत्व की उपाधि होती है तो ज्ञान ही ज्ञान, प्रकाश ही प्रकाश है, कभी रजत की उपाधि है तो कर्म ही कर्म है, कभी तमस की उपाधि है तो जड़ता ही जड़ता है। तो जब सत्व का काल होता है तब भगवान सत्व को प्रकाशित करते हैं, जब रजस का काल होता है तो रजस को प्रकाशित करते हैं, जब तमस का काल होता है तो तमस का प्रकाशित करते हैं। ईश्वर है बिच्छू में, उसके दंत में जहर भरता है, ईश्वर है सांप में और उसकी दाढ़ में जहर भरता है, जहर की थैली बना देता है उसके मुंह में, और गाय में आता है ईश्वर तो दूध देता है। तो ऐसे समय की उपाधि से, स्थान की उपाधि से, बीज की उपाधि से ईश्वर जो काम करता है वो अपने शुद्ध रूप में, निरुपाधिक रूप में नहीं, सोपाधिक रूप में काम करता है। तो जब देवताओं के बढ़ने का समय होता है तब उनको अपनी शक्ति से सींच लेता है ईश्वर, और जब दैत्यों के बढ़ने का समय होता है तो दैत्यों को अपनी शक्ति से सींच देता है ईश्वर, जब मनुष्यों के बढ़ने का समय होता है तो मनुष्यों को अपनी शक्ति से सींच देता है ईश्वर। अपना अपना बीज ले करके सब रहते हैं, और ईश्वर कब किसको बढ़ाना चाहिए उस काल की उपाधि से, स्थान की उपाधि से, बीज की उपाधि से सबके साथ अलग अलग बर्ताव करता है। असल में ईश्वर में भेद नहीं है, उन उपाधियों में भेद है, बिच्छू में और गाय में फर्क है, और दोनों के अंदर जो ईश्वर शक्ति है वो दोनों को बढ़ाती है। देखो एक चोर सूर्य की रोशनी में चोरी करता है, और एक योगी जो है वो समाधि लगाता है, इसमें सूर्य क्या करे, वो तो अपने प्रकाश को फैलाता है, एतावन मात्र ही उसका काम है। अब इस बात को समझाने के लिए एक उपाख्यान यहाँ दिया हुआ है, उपाख्यान माने वस्तु को समझने के लिए एक आख्यायिका, उसको ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं तोला जाता, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता है। तो वो क्या है, प्रश्न बड़ा बढ़िया, ऐसा सुखदेव जी ने कहा, प्रश्न बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें भगवान के अद्भुत अनिर्वचनीय चरित्र का प्रकाश होगा। इसमें क्या है, इसमें है भागवत भक्त की महिमा, ईश्वर की महिमा नहीं भक्त की महिमा है, और इसका फल क्या निकलता है, भक्ति बढ़ती है। जब हम देखेंगे कि हम अपने शीशे को बिल्कुल उज्जवल निर्मल करके बैठे हैं तो सूर्य की रोशनी उसमें पड़ रही है, यहां तक कि कोई शीशे ऐसे होते हैं कि जिनमें सूर्य की रोशनी पड़ती है और उन पर रूई रख दो तो जलने लगेगा, आग लग जाएगी, आपसी इतना उज्जवल इतना निर्मल ऐसा शक्तिशाली शीशा। और एक कोयला है, कोयले का पर्दा है, उस पर सूर्य की रोशनी कहीं कुछ चमकती नहीं है। तो जब हमारे हृदय में भगवान की भक्ति आती है तब उस भक्ति से हमारा हृदय ऐसा चमाचम चमक जाता है कि उसने ईश्वर की रोशनी सीधी पड़ने लगती है। कहते हैं एक राजा के पास दो चित्रकार आए, बड़े शिल्पी। राजा ने दोनों को स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम लोग चित्र बना के, भित्ति चित्र बना के दिखाओ, जिसका बढ़िया होगा उसको खूब पुरस्कार मिलेगा। अब महाराज एक चित्र ने गीत को लीप के पोत के स्वच्छ करके पॉलिश करके जिसके उसके ऊपर चित्र बनाना प्रारंभ किया, और ठीक उसके सामने दूसरी तरफ जो दूसरा चित्रकार था वो बस
भीत को स्वच्छ करे, चमकावे और पर्दा गिरावे। अब महाराज चित्र बन के तैयार हुआ, उद्घाटन का समय आया, जांच का समय आया, महाराज आए तो उस चित्रकार ने अपना चित्र दिखाया, महाराज हमने ये बनाया ये बनाया। महाराज दूसरे चित्रकार ने केवल पर्दा हटा दिया, पर्दा हटा दिया तो वो चित्र प्रतिबिंबित होने लगा, वही चित्र सामने से दिख रहा। अरे ये तो एक ही है, कहीं एक नहीं, एक तरीके है कहीं एक नहीं है महाराज, उसकी दाहिनी बाह जिधर है उधर हमारी चित्र की बाई बाह है, उसका मुंह जो है पूरब की ओर है, हमारे चित्र का पश्चिम की ओर है, उसका दाहिना पांव पश्चिम की ओर है, तो हमारा दाहिना पांव देखो पूरब की ओर है, ये चित्र दो है एक कैसे, और वो उसने बनाया या हमने बनाया। बात क्या हुई कि उसने अपनी भीत को घिस घिस के बिल्कुल शीशा बना दिया था और सामने का चित्र उसमें प्रतिबिंबित हो रहा था। तो ये जो भक्ति है ना, ये क्या करती है, ये हमारे हृदय को निर्मल बना देती है और ईश्वर की तस्वीर ग्रहण करने की इसमें शक्ति आती है। तो निर्मल कैसे बनाती है, ये भी एक भक्ति की अद्भुत महिमा है। भगवत भक्ति वर्धनम, भक्ति में दो सामर्थ्य है, एक तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान और एक संसार के जो राग हैं, द्वेष हैं, ईर्ष्या हैं, मद हैं, मोह हैं, क्योंकि दो वृत्ति को अंतकरण में एक साथ रह नहीं सकते हैं। युगपज ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम, ये अंतकरण का स्वभाव है कि उसमें दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते, या तो ईश्वर का चिंतन होगा या तो संसार का चिंतन होगा। जिससे तुम्हारी ईर्ष्या होगी वो याद आवेगा, जिससे तुम्हारा द्वेष होगा वो याद आवेगा, जिससे तुम्हारा राग होगा वो याद आवेगा, बार बार उनकी तस्वीर तुम्हारे मन में घूमती रहेगी। श्री राधा रानी एक दिन रो रहे थे, बहुत दुखी हो रही। श्री कृष्ण ने पूछा क्यों प्रिया जी आप इतनी दुखी क्यों हैं? बोले महाराज जिस हृदय में आप रहते हैं उस हृदय में आज हमको अपनी सौत की याद आ गई, उसकी शकल दिखने लगी। आपके रहते, आपकी विद्यमानता में, आपकी उपस्थिति में हमारे हृदय में सौत का प्रतिबिंबन हो गया। आपसे प्रेम कहाँ है, आपके प्रति प्रेम होता तो दूसरे की याद हमारे हृदय में आती ही क्यों। ये है भक्ति का स्वरूप। तो भक्ति एक ओर से तो करती हृदय को शुद्ध, धर्मानुष्ठान केवल हृदय को शुद्ध करता है, भगवान की भावना नहीं लाता है, और ज्ञान केवल भगवान को दिखाता है, हृदय को शुद्ध नहीं करता है। हृदय को शुद्ध अलग करके जाओ, धर्म से धर्मानुष्ठान से हृदय को शुद्ध करके जाओ। ज्ञान परमात्मा के स्वरूप को दिखाता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है, और धर्म हृदय में परिवर्तन तो करता है परंतु परमात्मा के स्वरूप को नहीं दिखाता है। भक्ति की ये महिमा है कि उसमें हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान का स्वरूप आता है, और जब भगवान के स्वरूप से प्रेम होता है तो संसार में राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह ये मिट जाते हैं। इसलिए बाबा भक्ति की जो महिमा है, भक्ति के वश में भगवान हो जाते हैं। और कहो भाई असली भगवान तो नहीं हुए ना, ये तो भगवान की तस्वीर पड़ी। तो ये बात संभवतः आप लोगों को आजकल विश्वास में न आ रहे, पहले हमारे बचपन में तो ऐसे होते थे। हमारे एक मित्र हैं, उनको भी है कुछ थोड़ा थोड़ा, शीशे के सामने बैठ जाते हैं, मंत्र का जप करते हैं और शीशे में अपना ध्यान करते हैं कि हम शीशे में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, हम शीशे में हैं। बोले ओ छाया, छाया पुरुष बोलते हैं, अरे ओ छाया पुरुष तू जरा हट जा, तो बाएं हट जा, दाहिने हट जा, जरा उठ जा, जरा बाहर निकल जा। वो छाया पुरुष में आत्मा का आधान करके उसको आज्ञा देने लगते हैं, फिर कहते हैं जा कलकत्ता, वहां से ला रसगुल्ला, जा जयपुर, ले आ वहां से करेले का आचार। ओ महाराज छाया पुरुष आज्ञा का पालन करने लगते हैं। भगवान को वश में करने की एक ही प्रीति है, सत स्त्रिय सत पतिम जथा, जैसे सती स्त्री अपने सज्जन पुरुष को वश में कर लेती है, वैसे जिसके हृदय में भजनीय भजन के विषय जिनका भजन किया जाता है, उन भगवान का जब ध्यान होता है और संसार का ध्यान जब फूट जाता है, तब हमारे हृदय में जैसे जैसे संकल्प होते हैं
वैसे वैसे ईश्वर बन करके दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये भक्त की महिमा है, ये भक्त के हृदय में रहने वाली भक्ति की महिमा है कि वो भगवान से जो चाहे सो करावे। तो प्रहलाद का चरित्र अब उपक्रांत करते हैं, प्रारंभ करते हैं प्रहलाद के चरित्र का। प्रहलाद जाति से देवता नहीं, जन्म से देवता नहीं, जन्म से थे दैत्य, परंतु जब उनके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई तो भगवान ने ये नहीं देखा है तो दैत्य है, उनकी रक्षा की। तो असल में भगवान के आचरण में, चरित्र में जो अद्भुत बात देखने में आती है वो भगवान का पक्षपात नहीं है, बल्कि भक्त के हृदय में जो भक्ति है और उस भक्ति में जो भगवान का प्रतिबिंबन है, वो हृदेश निवासी जो भगवान है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदेशेर्जुन तिष्ठति, वो जो हृदेश वासी भगवान है, जो हमारे अंतरदेश के निभृत प्रदेश में सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से विराजमान भगवान है, वो भक्ति के द्वारा पकड़े जाते हैं और फिर भक्ति के वश में होकर भक्त का पक्षपात करते हैं। ओम शांति शांति।